ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है ओपन वाइल पॉलिसी। ये आपको थ्योरी में भी पूछा जाता है, स्पॉट्स में भी पूछा जाता है, वाइवा में भी पूछा जाता है और प्रीपीजी में तो आती है। तो शुरू करते हैं ओपन वाइल पॉलिसी। सबसे पहली चीज़, ओपन वाइल पॉलिसी का मतलब क्या होता है? तो नाम में ही उसका अर्थ छुपा है। ओपन वाइल पॉलिसी का मतलब है कि अगर वैक्सीनेशन साइट पे या टीकाकरण के दौरान जब हम कोई वैक्सीन का वायल खोलते हैं तो उसको यूज़ करने के बाद फेंक नहीं देना है, उसको हम 4 हफ्ते से 28 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं आने वाले सेशंस के दौरान। बस कुछ शर्तें हैं। पहली कि जब हम उस वायल को खोलते हैं तब हमें उसके नेक पे, नेक मतलब ये होता है उसका नेक, तो हमको उसके नेक पे उस दिन या तारीख और उस वक्त का समय, तारीख और समय लिख देनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको पता रहता है कि इस तारीख को हमने खोला था इस समय, तो इसके बाद हम 4 हफ्ते तक या 28 दिन तक या लगभग 1 महीने तक उस वैक्सीन वायल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने इम्यूनाइजेशन सेशन हुआ आपका, इम्यूनाइजेशन सेशन के दिन आपने उस वायल को खोला, वायल को खोलने के बाद आपने उसमें डेट और समय लिखा नेक पे। जब वैक्सीनेशन ख़त्म हो गया या सेशन ख़त्म हो गया तो आपने ये सभी ओपन वायल्स को फोकल पॉइंट पे भिजवा देते हैं। फोकल पॉइंट क्या होता था? हमने पिछले वाइवाज में देखा है, पिछले वीडियोस में देखा था हमने कि फोकल पॉइंट का मतलब होता है वहाँ जहाँ पे वैक्सीन को स्टोर किया जाता है, काय पे स्टोर किया जाता है, ILR में। तो ये फोकल पॉइंट्स कहाँ होते हैं? ये PHC होता है सबसे आखिरी फोकल पॉइंट, उसके ऊपर CHC होता है, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, लेकिन सबसे आखिरी फोकल पॉइंट जो होता है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है। ठीक, तो ये होता है, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए आपको कि ओपन वायल पॉलिसी क्या होता है। ओपन वायल पॉलिसी जो होता है उसमें अगर आपने वैक्सीनेशन के दौरान वैक्सीन वायल को खोला है तो आप उसको डेट और टाइम नेक पे लिखोगे और आने वाले सेशंस में भी उसको इस्तेमाल कर सकते हो एटलीस्ट 4 हफ्ते या 28 दिन तक। अब एक और शर्त है, आपने पहली शर्त तो मान ली कि भाई आपको नेक पे उसका समय लिखना है। अब एक और ये चीज़ देखना कि नेक का मतलब है आपको यहाँ पे लिखना है, आपको उसके रैपर पे नहीं लिखना, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, देखिए रैपर पे नहीं लिखना है, ये गलत है, नेक पे लिखना है, ये सही है। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो किसी कारणवश आपने वैक्सीन कैरियर में रखा है, वैक्सीन कैरियर में आइस पैक्स जो हैं वो पानी छोड़ देते हैं, या ये जो आपका वैक्सीन वायल्स है वो गीले हो जाते हैं, तो ये जो रैपर है ना ये पूरा गीला होके निकल जाता है। निकल जाएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई आपने उसको खोला कब था। तो ओपन वायल पॉलिसी के तहत तो उसको 28 दिन तक कैसे इस्तेमाल करोगे जब आपको पता ही नहीं है कि कब खोला था? क्यों? क्योंकि गीला हो गया तो ये रैपर निकल जाएगा, रैपर निकल जाएगा तो ये मिट जाएगा। मगर अगर आपने उसको नेक पे लिखा है तो आपको भले ही गीला हो जाए फिर भी ये मिटता नहीं है। ठीक, क्योंकि यहाँ रैपर में तो भीग के निकलने के चांसेस होते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर है कि किन किन वैक्सीन्स को आप ओपन वायल पॉलिसी के तहत लिख सकते, यूज़ कर सकते हो, और कौन कौन सी वैक्सीन्स हैं जिनको इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो जिन पे आप इस्तेमाल कर सकते हो या एप्लीकेबल फॉर या रीयूजेबल ओपन वायल्स कौन सी होती हैं, तो ओपन वायल पॉलिसी है अगर, तो आपको पता होना चाहिए OPV है, उसके अलावा IPV है, उसके अलावा हेपेटाइटिस बी है, उसके अलावा आपको पता है कि DPT है, उसके अंदर फिर DPT के बाद फिर DT हो जाएगा और TT हो जाएगा। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो कि O और P में ही आपको ज़्यादातर नाम मिल जाएंगे। ठीक, तो ओपन है अगर तो OPV हो गई, उसके अलावा IPV हो गई, उसके अलावा पेंटावेलेंट हो गई, उसके अलावा हेपेटाइटिस बी हो गई, उसके अलावा पेंटावेलेंट है तो इसके अंदर ये पी एक और जगह आ जाएगा, DPT हो गई, फिर DPT को भी तोड़ दो, DT हो गई, इसको भी तोड़ दो, TT हो गई। ठीक, तो
ये सारी वाइल्स हैं जिनको आप ओपन वाइल पॉलिसी के तहत इस्तेमाल कर सकते हो, यानी आने वाले सेशंस में भी उनका इस्तेमाल किया जा सकता है बिना फेंके। पहले क्या होता था, पहले होता था कि सेशन से खुल के वाइल आई, उसको 48 घंटे तक रखते थे, फिर फेंक देते थे। मगर आज की डेट में उसको कुछ वैक्सीन्स हैं जो ओपन वाइल पॉलिसी के तहत एप्लीकेबल होती हैं, उनको हम 28 दिन तक या 4 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ ये है कि कौन सी वाइल्स ओपन वाइल पॉलिसी के तहत रीयूज़ नहीं की जा सकती, या नॉन रीयूजेबल वाइल्स कौन से, ओपन वाइल्स कौन सी होती हैं। तो याद है हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन में याद किया था, वैसे ही आप यहाँ भी याद कर सकते हो कि जेई दो तो बी कर लोगे मी, जेई दे के बी कर लिया मैंने, उसके अलावा है और फिर रोता रहा, तो जेई किया, जेई दिया, फिर बी किया मी ने और फिर रोता रहा। तो जेई, बीसीजी, मीजल्स और रोटा, ये चार हैं जो कि आपको ओपन वाइल पॉलिसी के तहत नहीं यूज़ कर सकते। और याद करो कि जेई, बी, मी हमने ये रिकन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन्स में भी याद किया था। अब अगर आपने ये है कि कितने समय तक इनको खुलने के बाद यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी हमने रिकन्स्टिट्यूशन वाले में पढ़ा था कि जेई को 2 घंटे तक, बीसीजी को 4 घंटे तक, मीजल्स को भी 4 घंटे तक और रोटा को भी 4 से 6 घंटे तक ही इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद क्यों नहीं इस्तेमाल करना है? क्योंकि ये जितनी भी ओपन वायल्स होती हैं ना, इनमें एक रिस्क होता है स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन के होने का, इसीलिए इनको खुलने के बाद आपको विद इन 48 घंटे डिस्ट्रॉय कर देना है। अब ये 48 घंटे क्यों? क्योंकि याद है हमने AEFI में पढ़ा था, AEFI के इन्वेस्टिगेशन के तहत अगर कहीं AEFI होता है तो उसके लिए हमको 48 घंटे तक कोई भी खुली वायल्स हैं उनको 48 घंटे तक रखना है। अगर उस 48 घंटे के अंदर कोई AEFI होता है तो हमको इन्वेस्टिगेशन ऑफ AEFI में ये मदद करती हैं, इसीलिए हमें इसे 48 घंटे तक रखना होता है। तो ये वाली जो होती हैं इनको हम फोकल पॉइंट पे लाते हैं, वहाँ पे एक वैक्सीन कैरियर जो होता है उस पर नॉट टू बी यूज्ड लिखते हैं और उस वैक्सीन कैरियर के अंदर इनको रख देते हैं और फिर 48 घंटे बाद इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक, तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको ओपन वाइल पॉलिसी के तहत पता होनी चाहिए। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो आपको शॉर्ट नोट और वेरी शॉर्ट नोट आता है थ्योरी में। अगर मैं वाइवा की बात करूं तो वाइवा में आपसे पूछा जाता है कि एक बात बताओ, एप्लीकेबल किन किन पे है और नॉट एप्लीकेबल कौन कौन सी वैक्सीन्स हैं जिन पे ओपन वाइल पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं है। अगला सवाल आपसे पूछा जाता है कि बताओ कितने दिनों तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है कि क्यों हम डेट और टाइम लिखते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट वाइवा के लिए कहाँ लिखते हैं डेट और टाइम। और आपसे वाइवा में पूछा जाता है ये कि 48 घंटे तक क्यों रखते हैं और कौन से इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, ये भी आपको वाइवा में पूछा जाता है। अगर मैं प्रीपीजी की बात करूं तो एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं इन्हीं पे कि रीयूजेबल वायल्स कौन सी हैं और नॉन रीयूजेबल वायल कौन सी हैं। एमसीक्यू आपको इस पे आ सकता है कि स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन होने के रिस्क सबसे ज़्यादा होता है ओपन वायल पॉलिसी के तहत, और एमसीक्यू आपको इस पे भी आता है कि कितने समय तक आपको ओपन वायल्स को रखना है। ठीक, इसके अलावा कई बार स्पॉट्स जब आपको रखा जाता है तो स्पॉट्स में अलग से सवाल पूछ लिया जाता है स्पॉट्स में कि बताओ भाई ओपन वायल पॉलिसी के तहत कौन कौन सी वैक्सीन आती हैं या कौन कौन सी वैक्सीन नहीं आती हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको ओपन वायल पॉलिसी में पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।